हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी। तो आज है 12th of August एंड है विनायक का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे डेकोरेशंस आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी से जो भी डेकोरेट हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये रहा बर्थडे बॉय, इसका केक भी बड़ा ही ज़्यादा क्यूट सा था। तो सारे लोग आ गए थे, मतलब बाहर से कोई नहीं, घर घर के जितने लोग थे उतने ही लोग थे, ज़्यादा कोई नहीं था। और यहाँ पे बन रही हैं पूरी कचौड़ी सब, ये मामी बना रही हैं। तो बाहर बैठ के बना लिया था और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी। क्या बर्थडे के टाइम पे सब बारिश वारिश बंद हो गई थी, लेकिन ये देख रहे हो आप ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ खाना बन रहा है और पूरा बहुत मैसी सा हो रखा था किचन, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और यहाँ पे पूरा बन चुका है, पनीर छोला रायता पूरी कचौड़ी बहुत सारी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। सबके घर पे बनता होगा यार, बच्चों का बर्थडे ऐसे ही रहता है। तो किचन के लिए मत बोलना प्लीज़, क्योंकि हो गया था मैसी। एंड बस इसको करने के बाद में इधर खाना बन रहा था, उधर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सबने टीका वीका लगा दिया जिसको भी लगाना था, एंड कुछ लोग बाकी हैं तो वो भी धीरे धीरे करके लगा देंगे। उसके मुंह पे केक लगा दिया था मामी ने, तो बस वही था। और कुकू बहुत डांस कर रही थी, इनको बड़े मज़े आ रहे थे, अकेले ही लगी पड़ी थी। और तो और गाइस, विनायक के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया बर्थडे के दिन। तो ये हुआ कि उसको दो गिफ्ट्स मिले, दोनों एकदम सेम, मेरा और मामी का गिफ्ट एकदम सेम था। क्योंकि आजकल ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा कर रहा है और इसको इंटरेस्ट रहता है ड्राइंग बनाने में, कलर्स और ये सब। तो जहाँ से मैंने गिफ्ट परचेज किया था वहीं से मामी ने भी किया था। तो पहले तो गिफ्ट्स खोला, फिर थोड़ा सा रोया कि एकदम सेम सेम दो गिफ्ट सेम सेम हो गए। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि चलो चेंज कर दूँगी नेक्स्ट डे तक, तब थोड़ा जाके इनका मूड सही हुआ। अरे कोई भी हो यार, एक्सपेक्ट तो करेगा ही ना, डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें, बर्थडे एक बार आता है पूरे साल में। तो यहाँ पे मैंने भी टीका लगा दिया, मम्मी ने भी लगा दिया है, और घर के जितने भी लोग हैं सब ने टीका लगाया था। उसके बाद मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगी आगे, क्योंकि कंटिन्यू गाने बज रहे थे, क्योंकि उस गाने के बिना मज़ा नहीं आता बर्थडे में यार। तो प्रॉपर अच्छे से फुल टाइम सॉन्ग्स प्ले हुए हैं, वो भी फुल वॉल्यूम पे, मज़ा भी बहुत आया। लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से मैंने थोड़ा सा उसको या तो फास्ट फॉरवर्ड किया है या फिर मैंने म्यूज़िक म्यूट कर दिया है। तो आप लोग इन्जॉय पूरा करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। और बर्थडे होते होते, चलो बर्थडे बॉय ने सबके पैर भी छू लिए, सबके आशीर्वाद ले लिया है,
और अभी डांस होगा हमारे महारा अंकल का जो हमारे वहाँ वर्क करते हैं, ये देखो खड़े हुए हैं व्हाइट शर्ट में, बहुत मस्त डांस किया। प्लीज़ यार स्किप मत करना, बहुत अच्छे से देखना, मज़ा आ जाएंगे। वीडियो आपने देख लिया है और आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी पीछे कौन सा सॉन्ग पे ये दोनों लोग डांस कर रहे थे जो कि मैंने म्यूट किया है। अच्छे से स्टेप्स देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और यहाँ पे हम लोग गंवार वाला डांस कर रहे थे। तो चलो यस गाइज, बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।